लिए माफी भी चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। बस बहुत शुक्रिया जी। प्रतीक जी, अभी रितु जी कह रही थी यहाँ से, आपने शायद सुना नहीं कि आप इंडिया के खिलाफ हो रही है, जो INDIA है, जो राजनीतिक इंडिया, उसको वो खुद को वो देश बता रही है। बताइए, देखिए इनकी मानसिकता, मानसिक दिवालियापन, देखिए खुद को देश बता रहे। अब ये सोचिए किसी का चोला, जैसे कि योगी जी ने कहा है कि चोला बदलने से उसके कर्म नहीं बदल जाते, तो इस देश को इतिहास पता है आपका। अब मैं आती हूँ, अभी जो भाई बोल रहा था वो वही मुद्दा है। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इमेज, और मैं उनकी इमेज खराब करूंगा, और वही कार्रवाई चल रही है, वही साजिश लगातार इन लोगों की तरफ से चल रही है। जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था कि भारत से हम बीजेपी को हटाएंगे, और वो जाकर मार्च में क्या कह के आए कि हमारे देश में राजनीति में हमें आने में मदद कीजिए। और ये रिपोर्ट भी है कि $60 बिलियन US ने खर्च किए भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए 2019 में, लेकिन नाकाम रहे। इस देश में मोदी को हटाने के लिए, देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी उसकी मजबूती होती है जनता के अंदर अपनी मजबूती को और जनता की नब्ज को पकड़ना। विपक्ष की सबसे बड़ी मजबूरी यह है, और सबसे बड़ी उनकी मानसिक दिवालियापन समझ के, कि उनको इस देश की मानसिकता नहीं समझ में आ रही है। और मैं बात करती हूँ कि अगर आप मणिपुर की बात करते हैं तो रोक लीजिए, मुझे बोलना है। सामान कहाँ से लाऊं? सवाल ये है कि सामान कहाँ से आए? देखिए मणिपुर की बात करते हैं, अगर इस देश की हम संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारे देश में तो ये माना जाता है ना, बेटियां सबकी साझी होती है। अगर साझी होती है और विपक्ष न्याय की बात करता है और राजनीति नहीं कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल की बात क्यों ना हो, क्यों ना, क्यों उडुपी की बात ना हो? क्या आप 1992 में जो हुआ था अजमेर में उन खिलाफ? आओ रितु, आओ रितु, रितु कम कम या कम या जी। प्रतीक जी, मणिपुर की बेटियों को ये बेटियां नहीं मानते हैं, राजस्थान की बेटियों को बेटियां मानते हैं, वहाँ बेटियां मानते हैं जहाँ विपक्षी सरकार है। जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे बेटियां रहती है, उनको बेटियां नहीं मानते। आया अरविंद, आया जी जी। आपको सिर्फ मणिपुर नजर आ रहा है, राजस्थान में जो दलित की बेटी के साथ उसके ऊपर तेजाब डाल करके जला दिया गया, आपको वो बेटी नजर में आएंगे। मैं रितु 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 आ जी, इधर आ जल्दी आ जी जी जी। ये मानते हैं, ये बोल रहे हैं मणिपुर की वो बेटियां वो हैं, राजस्थान में वो अलग बेटियां, तो ये कौन सी बेटियों को अपनी बेटियां मानते हैं, उनको पूछिए पहले। किस बेटियों को बेटियां मानते? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आया आया, कुर्ता कुर्ता वाले भैया आ रहा हूँ, बिल्कुल कलफ लगा कुर्ता है, मैं आया। अकेले की बात, रितु रितु जल्दी मिला दो। क्या राजस्थान में जो बेटी का बलात्कार हुआ, क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई क्या? जी बिल्कुल, रितु जी जी, कहाँ कार्रवाई किया? मुख्यमंत्री के साथ पास एक लड़की गई और वो बच्ची गई अब इंसाफ मांगने के लिए, आपकी पुलिस ने उसे धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, कहाँ इंसाफ किया आपने? और आप अकेले की बात कर रही थी, एक मिनट, आप अकेले की बात कर रही थी। अड़तीस और 26 की बात कर रहे थे ये, मैं इनसे कहना चाहता हूँ वो अकेला ही था, मंजिलों के जुस्तजू में वो अकेला चलता गया, लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया, वो अकेला ही था। आपने बहुत तो कोशिश किया देश से लेकर के विदेश तक उसको अकेला करने के लिए, लेकिन ये भारत की ताकत है, हिंदुस्तानियों की ताकत है, ये हमारा विश्वास है। एक बार सुनिए, अरे ऐसे ही हाथ उठाए कि सामान भी है जी। क्या कविता सुनाने आई हैं आज आप? मैं बता रही हूँ कि अभी राष्ट्र की बात हो रही है, तो हम ये कहेंगे मोदी जी ने खुलकर के जवाब दिया। कविता सुनाइए अगर आपके पास हो, सीधे सीधे मुद्दे पे आइए, वक्त बहुत कम है। पानी मांगो, पानी दो उधर बेटे को। हाँ। कि राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम। अगर
वो हल्ला करना तो मार्केट में कई दुकानें हैं। राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है, अब बहुत सह लिया दिल मिल जाम है, कि हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, अब ये राम का प्रताप और मोदी जी का ये प्रभाव है कि हर जुबान रट रही राम का नाम है, हर जुबान रट रही राम का। चार जब देखे ऊंची गर्दन से तो शेर यूं ही निकल के आ जाते हैं पेड़ के ऊपर से। जी मैं आ गया बस जी। ना मणिपुर, ना मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान। जी मैं आ रहा हूं, रुको। माँ बेटे के लिए मैं कुछ कहूंगा थोड़ा सा। जरूर। कि इस देश में बेटियों की माँ बहुत 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 बात चलती है। माँ जन्नत, बेटी इज्जत, बहन रौनक, बीवी जीनत। वाह, अब एक शेर मेरे याद आ गया। दे दो, आइए आगे आ जाइए। आपने पूरा खाका तो खींच दिया आपने। इन बेटियों की जो बेटियां हैं, कि बद नजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, बद नजर बुरी नजर उठने ही वाली थी किसी की तरफ, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। हाय हाय, क्या बात है। अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। और एक शेर और याद आ गया जी, कि आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जी मैं आया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा तर्कों के साथ। अरविंद जी आ रहा हूँ, तर्क संभालिए, मैं आ रहा हूँ जी। 2014 में मोदी सरकार आई और सबसे बड़ा जुमला उनका था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पूरे देश में बेटी बेइज्जत हो रही है, शर्मसार हो रहा है पूरा भारत। अगर केवल मणिपुर की बात हो रही है वो भी गलत है, पूरे देश में इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर प्रधानमंत्री को अपना एक वक्तव्य आना चाहिए। अब तक क्यों चुप है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सबके हैं, किसी एक स्टेट के नहीं है, सभी के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी एक वक्तव्य जरूर दे। क्या नाम आपका? रवि राज। कहां से आना हुआ? बक्सर से। अरे बड़ी क्रांतिकारी भूमि से आए हैं आप, वहाँ का तो राजमिस्त्री भी बड़ा जबरदस्त होता। जी जी, क्रांतिकारी है। बेटियाँ बेटियाँ हैं, इसमें ना बीजेपी और ना कांग्रेस, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। इसमें खुल के एक्शन लेना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, खुल के एक्शन ले, खुल के एक्शन हो। जी बिल्कुल होना चाहिए। ऑफकोर्स अरविंद जी, देखिए प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप सत्ता पक्ष भी लगाता है और विपक्ष भी लगा रहा है सत्ता पक्ष पे, लेकिन दोनों में अंतर देखिए। मोदी पे आरोप लगा पेगासस का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्जी है। मोदी पे आरोप लगा राफेल का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्जी है। सोनिया और राहुल जी पे आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, ये लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है दम है, इनके खिलाफ केस चलना चाहिए। और राहुल गांधी पे गालीबाज का आरोप लगा, कोर्ट कहता है, लोअर कोर्ट कहता है, जिला कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि ये गालीबाज है। तो ये दोनों में अंतर है। एक तरफ तो सत्यता है, एक तरफ तो ईमानदारी है, और दूसरे तरफ फर्जी आरोप है। और राइट राइट, आई एम टेकिंग योर पॉइंट, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। प्रेम कुमार जी, देखिए मैं जी को जवाब नहीं दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा फर्जी है, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ। देखिए आज एक कांस्टेबल ने अपने अफसर को गोली मारी, तीन यात्रियों को गोली मार दी, ट्रेन पैसेंजर्स को, और योगी और मोदी का नारा लगाया। मुझे अफसोस है कि उसने जय श्री राम। देखिए क्या है डॉक्टर, ये जो प्रेम जी है ना, प्रेम जी का वैसे तो चरित्र बहुत बढ़िया है, लेकिन काले कपड़े पहनने के बाद काला मन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, लो लो लो, काला मन हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं काले काले, मैं भाई बिल्कुल, देखिए मैं कोई खबर नहीं, जो 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 फैक्ट एंड फिगर एस्टैब्लिश नहीं उनको नहीं बोलेंगे आप, जो फैक्ट एंड फिगर एस्टैब्लिश है आप चलने से वही आप, वही आप बोलिए। राहुल गांधी के पास आया है क्या टेलीग्राम की, उसने क्या बोला है? कमाल की बात है। कहाँ से आना हुआ भैया? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से, बहुत सही समय आए हैं आप। क्या नाम हो गया साहब? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह कहाँ रहते हैं? जम्मू में।
सर मेन जम्मू में रहते हैं। मेन जम्मू में रहते हैं ऐसे हम डोडा डिस्ट्रिक्ट से। डोडा डिस्ट्रिक्ट से कुछ कहना चाहते हैं सर? कहना चाहेंगे कि कोई बात नहीं, अक्सर यहाँ अरे बड़े बड़ों को भूल जाते हैं यहाँ पे, वो घर से याद करके चलते हैं, यहाँ आते आते भूल जाते हैं। वक्त छोड़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद।